मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, लाहौर समेत पंजाब में घंटों बिजली की बंदिश, अंदरून सिंध में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे हो गया, आवाम का बुरा हाल। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, मलीर शाह फैसल, गुलिस्तानी जौहर, औरंगी, सफूरा गोट, नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, बंदिश का दौरानिया 8 घंटे हो गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। आटा, चीनी और पेट्रोल के बाद एलपीजी का बहरान सर उठाने लगा। एलपीजी की मतलूबा मकदार दरामद ना की जा सकी, हुकूमत ने तहाल कोई ऑर्डर ना दिया, शॉर्टफॉल 700 टन हो गया। एलपीजी की दरामद में एक माह लग सकता है। हुकूमत की आवाम पर गैस बम गिराने की तैयारियां, गैस की कीमतों में 100% इजाफा होगा या कम, ओगरा आज फैसला करेगा। हुकूमती मुआशी टीम की कारकर्दगी का भांडा फूट गया, कोरोना से पहले ही महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी थी। IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा भी मुआशी बदहाली का सबब बना। मुल्की मईशत पर खुफिया रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई। वफाकी काबीना के अंदर की तलखियां खुलकर सामने आने लगी। फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर काबीना इजलास में गर्मा गर्मी, फैसल वावडा भी फवाद चौधरी के हमनवा, मुखालिफीन के नाम ले लिए, कहा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम बनना चाहते हैं। वजीर आजम फैसल वावडा को लेकर दूसरे कमरे में चले गए, कहा इस फोरम पर ये बातें न करें, जो हो रहा है वो मैं भी जानता हूँ। फवाद चौधरी के बाद राजा रियाज ने भी गैर मुंतखब अफराद के किरदार पर सवाल उठा दिया। कहते हैं गैर मुल्की अफराद को अटैची केस उठाकर चले जाएंगे, अगले इलेक्शन में हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा। PTI के दौर में करप्शन बढ़ गई, 10,000 वाला काम 30,000 में होता है। ब्यूरोक्रेसी जितनी आज मजबूत है तारीख में कभी नहीं थी। सिंध असेंबली में हाथापाई, MQM और पीपल्स पार्टी अराकीन आपस में लड़ पड़े। अवैस कादिर शाह, मुकेश कुमार चावला और जावेद हनीफ अब्बासी में लड़ाई, अराकीन नशिस्तें छोड़कर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। स्पीकर और नुसरत सहर अब्बासी में भी तल्ख कलाम। लाहौर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, ननकाना साहब, सांगला हिल, नारोवाल में भी बादल बरसे। एबटाबाद, पिशावर, मर्दान, कोहाट में भी बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म, कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी में इजाफा। और कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड खतरे में पड़ गया, कोरोना से मुतासरा खिलाड़ियों की तादाद 10 हो गई। फखर जमान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हसनैन और इमरान खान सीनियर का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। आरिस राउफ, शादाब खान और हैदर अली भी बीमार। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, लाहौर समेत पंजाब में घंटों बिजली की बंदिश, अंदरून सिंध में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे हो गया, आवाम का बुरा हाल। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, मलीर शाह फैसल, गुलिस्तानी जौहर, औरंगी, सफूरा गोट, नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, बंदिश का दौरानिया 8 घंटे हो गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। आटा, चीनी और पेट्रोल के बाद एलपीजी का बहरान सर उठाने लगा। एलपीजी की मतलूबा मकदार दरामद ना की जा सकी, हुकूमत ने तहाल कोई ऑर्डर ना दिया, शॉर्टफॉल 700 टन हो गया। एलपीजी की दरामद में एक माह लग सकता है। हुकूमत की आवाम पर गैस बम गिराने की तैयारियां, गैस की कीमतों में 100% इजाफा होगा या कम, ओगरा आज फैसला करेगा। हुकूमती मुआशी टीम की कारकर्दगी का भांडा फूट गया, कोरोना से पहले ही महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी थी। IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा भी मुआशी बदहाली का सबब बना।
मुल्की मईशत पर खुफिया रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई। वफाकी काबीना के अंदर की तलखियां खुलकर सामने आने लगी। फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर काबीना इजलास में गर्मा गर्मी, फैसल वावडा भी फवाद चौधरी के हमनवा, मुखालिफीन के नाम ले लिए, कहा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम बनना चाहते हैं। वजीर आजम फैसल वावडा को लेकर दूसरे कमरे में चले गए, कहा इस फोरम पर ये बातें ना करें, जो हो रहा है वो मैं भी जानता हूं। फवाद चौधरी के बाद राजा रियाज ने भी गैर मुंतखब अफराद के किरदार पर सवाल उठा दिया। कहते हैं गैर मुल्की अफराद को अटैची केस उठाकर चले जाएंगे, अगले इलेक्शन में हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा। पीटीआई के दौर में करप्शन बढ़ गई, 10,000 वाला काम 30,000 में होता है। ब्यूरोक्रेसी जितनी आज मजबूत है तारीख में कभी नहीं थी। सिंध असेंबली में हाथापाई, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी अराकीन आपस में लड़ पड़े। अवैस कादिर शाह, मुकेश कुमार चावला और जावेद हनीफ अब्बासी में लड़ाई। अराकीन नशिस्तें छोड़कर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। स्पीकर और नुसरत सहर अब्बासी में भी तल्ख कलाम। लाहौर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, ननकाना साहब, सांगला हिल, नारोवाल में भी बादल बरसे। एबटाबाद, पिशावर, मर्दान, कुहाट में भी बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी में इजाफा। और कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड खतरे में पड़ गया। कोरोना से मुतासर खिलाड़ियों की तादाद 10 हो गई। फखर जमान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हसनैन और इमरान खान सीनियर का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। आरिस राउफ, शादाब खान और हैदर अली भी बीमार। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, लाहौर समेत पंजाब में घंटों बिजली की बंदिश। अंदरून सिंध में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे हो गया, आवाम का बुरा हाल। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, मलीर शाह फैसल, गुलिस्तानी जौहर, औरंगी, सफूरा गोट, नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, बंदिश का दौरानिया 8 घंटे हो गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। आटा, चीनी और पेट्रोल के बाद एलपीजी का बहरान सर उठाने लगा। एलपीजी की मतलूबा मिकदार दरामद ना की जा सकी, हुकूमत ने तहाल कोई ऑर्डर ना दिया, शॉर्टफॉल 700 टन हो गया। एलपीजी की दरामद में एक माह लग सकता है। हुकूमत की आवाम पर गैस बम गिराने की तैयारियां, गैस की कीमतों में 100% इजाफा होगा या कम, ओगरा आज फैसला करेगा। हुकूमती मुआशी टीम की कारकर्दगी का भांडा फूट गया। कोरोना से पहले ही महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी थी। IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा भी मुआशी बदहाली का सबब बना। मुल्की मईशत पर खुफिया रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई। वफाकी काबीना के अंदर की तलखियां खुलकर सामने आने लगी। फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर काबीना इजलास में गर्मा गर्मी, फैसल वावडा भी फवाद चौधरी के हमनवा, मुखालिफीन के नाम ले लिए, कहा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम बनना चाहते हैं। वजीर आजम फैसल वावडा को लेकर दूसरे कमरे में चले गए, कहा इस फोरम पर ये बातें ना करें, जो हो रहा है वो मैं भी जानता हूं। फवाद चौधरी के बाद राजा रियाज ने भी गैर मुंतखब अफराद के किरदार पर सवाल उठा दिया। कहते हैं गैर मुल्की अफराद को अटैची केस उठाकर चले जाएंगे, अगले इलेक्शन में हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा। पीटीआई के दौर में करप्शन बढ़ गई, 10,000 वाला काम 30,000 में होता है। ब्यूरोक्रेसी जितनी आज मजबूत है तारीख में कभी नहीं थी। सिंध असेंबली में हाथापाई, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी अराकीन आपस में लड़ पड़े।
अवैस कादिर शाह, मुकेश कुमार चावला और जावेद हनीफ अब्बासी में लड़ाई। अराकीन नशिस्तें छोड़कर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। स्पीकर और नुसरत सहर अब्बासी में भी तल्ख कलाम। लाहौर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, ननकाना साहब, सांगला हिल, नारोवाल में भी बादल बरसे। एबटाबाद, पिशावर, मर्दान, कुहाट में भी बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी में इजाफा। और कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड खतरे में पड़ गया। कोरोना से मुतासर खिलाड़ियों की तादाद 10 हो गई। फखर जमान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हसनैन और इमरान खान सीनियर का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। आरिस रऊफ, शादाब खान और हैदर अली भी बीमार।